वो एक बड़े पैमाने पे वहां पे बातें कर रहे हैं कि जी हम हाँ एक हमारा जो इसरो है, जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है, वो एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन तैयार करेगी और बहुत कुछ बताएगी। सो इंडिया इज देयर टू ऑफर द वर्ल्ड सो मच, मीन्स कि इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन बीजिंग, वॉशिंगटन, पेरिस, लंडन एंड मॉस्को। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो B3W है बेसिकली, तो ये अमेरिकी सदर जो बाइडन और जो यूरोपियन यूनियन की सदर हैं अर्सला, ये उन्होंने मिलके ऑन द साइडलाइंस ऑफ ये जो COP26 की जो मीटिंग हुई लंदन में, सॉरी ग्लासगो में, वहां पे ये बात हुई। उन्होंने कहा जो ये $40 ट्रिलियन का प्लान है, $40 ट्रिलियन का प्लान है। तो ये भी बता दें कि TTP ने इन 70,000 पाकिस्तानियों में से कितने पाकिस्तानी मारे हैं। ये फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव आया कि हम पाकिस्तान में इस्लामिक ऑर्डर लेके आएंगे और हम पाकिस्तान को फतह करेंगे। तो कहेंगे कि अफगानिस्तान जैसा इस्लामी निजाम यहां पर कायम करें, औरतों पर वही पाबंदियां लगाएं, उनका स्कूल बंद करके, इन्हीं बुनियाद पर वो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो शरीयत लानी है और वो वही शरीयत है जो वो अफगानिस्तान में ला रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में कमर चीमा बता रहे हैं कि भारत दुनिया को सोलर कैलकुलेटर ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से इसरो का नाम पूरी दुनिया में छा रहा है। और साथ ही साथ COP26 के अंदर जो मीटिंग हुआ है ग्लासगो में, उसमें अमेरिका, यूरोप, भारत ने मिलकर $40 ट्रिलियन का जो प्रोजेक्ट है B3W, उस पर बात की है। इससे पता चल जाता है कि भारत इस समय कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब तो चाइना के भी पसीने छूट रहे हैं भारत की तरक्की देख के, और साथ ही साथ दुनिया भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में, इसीलिए सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान TTP से परेशान है कि TTP चाहती है कि पाकिस्तान में शरिया कानून लगाया जाए। आइए इस वीडियो को देखते हैं। जिसका अमरीकी सदर और जो इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोगों ने मिलके ये प्लान तैयार किया है, जो ये $40 ट्रिलियन का प्लान है, $40 ट्रिलियन का प्लान है। और अमेरिका जो जो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात कर रहा है, ये बेसिकली जिसे B3W कहा जाता है। अब इस चीज की तो समझ आ गई कि पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया और इंडियन जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया, लेकिन द वे इंडिया हैज केप्ट इट्स ऑटोनॉमी बिकॉज उसके पास चॉइसेस आता है, बिकॉज उनके पास फॉरेन पॉलिसी कि फैसले करने की चॉइसेस ज्यादा है, बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस होंगे ना, आप मेंटेन कर सकते हैं। अब जो B3W है बेसिकली, तो ये अमेरिकी सदर जो बाइडन और जो यूरोपियन यूनियन की सदर हैं अर्सला, ये उन्होंने मिलके ऑन द साइडलाइंस ऑफ ये जो COP26 की जो मीटिंग हुई लंदन में, सॉरी ग्लासगो में, वहां पे ये बात हुई। उन्होंने कहा जी आजी के हमें मिल के काम करना है, अगर हमने दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बदला, अगर ये दुनिया में तब्दीलियां ना हुई, तो हमारे लिए मसला होगा। सो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन। और नरेंद्र मोदी ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स की भी बात की ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP26। वो एक अलग बात है, उसको फिर कभी करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, दिस इज BRI वर्सेस B3W। इंडिया ने चाइना के इस BRI की, CPAC की और इनकी मुखालफत की, क्योंकि उनको पता था कि इसमें अगर वो हिस्सा बन जाए तो वो तो दे विल बी प्लेइंग नंबर टू, वो होगा ना कि वो चाइना के अंडर काम करेंगे, अगर BRI जो जो चाइनीज बताएंगे वो करते जाएंगे। सो इंडिया कैप्ट इट्स ऑटोनॉमी, ये है दोस्तों वो जो चीज जिसको मैं कहता हूँ सेमी पेरिफ्री, मीन्स कि इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन बीजिंग, वॉशिंगटन, पेरिस, लंडन एंड मॉस्को। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, द वे पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अनफॉर्चुनेटली। सो वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, वो बीजिंग से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो वॉशिंगटन के पास जाएंगे, वॉशिंगटन का B3W का हिस्सा बने, और साथ में उन्होंने फिर वहां पे अपनी एक जो है वो कम्युनिटी डेवलप कर ली। इसराइल भी उनको सूट करता है, उनको बाकी ममालिक भी सारे यूरोपियन इसमें सूट करते हैं। सो इंडिया हैज गॉन कंप्लीटली इनटू द वेस्टर्न ब्लॉक व्हेन इट कम्स टू
पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जो चेंजेस है वो देखिए ना, कि वो नरेंद्र मोदी वहां पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बातें करते हैं, ठीक है, और वो एक बड़े पैमाने पे वहां पे बातें कर रहे हैं कि जी हम एक हमारा जो इसरो है, जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है, वो एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन तैयार करेगी और बहुत कुछ बताएगी. सो इंडिया इज देयर टू ऑफर द वर्ल्ड सो मच विच मैनी बिलीव कि यार ये तो एक शायद वुड दे हैव चोजन अ राइट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ नेशन और द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री. हमारा ये है कि हमें ये कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर कि हम ये कहते हैं कि हमने अमेरिकन को भी नहीं छोड़ना और चाइनीज को भी साथ रखना है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अमेरिकन लिफ्ट नहीं कराते. प्रॉब्लम यह है कि वो हमसे इंगेज तो करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत मिनिमम इंगेजमेंट करना चाहते हैं. वो इसी डिफरेंशिएशन पे गुड तालिबान और बैड तालिबान का नैरेटिव भी देखा, और फिर हमने देखा कि हमने टीटीपी को टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया, रद्दुल फसाद देखा, जरबे उजब देखा, जरबे मोमन देखा, मिलिट्री कोर्ट से फांसियां देखी, सब कुछ हमने देखा. ये 70,000 में से टीटीपी ने कितने मारे हैं जी? देखें, मैं कहना ये चाह रहा हूं. नहीं, जब आप कहते हैं कि हमने 70,000 जानों की कुर्बानी दी है, तो ये भी बता दें कि टीटीपी ने इन 70,000 पाकिस्तानियों में से कितने पाकिस्तानी मारे हैं. ये फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव आया कि हम पाकिस्तान में इस्लामिक ऑर्डर लेके आएंगे और हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, तो फिर ये जंग बढ़ती गई, चलती गई, और खासकर ये साबिक फाटा में और पाकिस्तानी शहरों में बम धमाके और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं उनको वो शहीद भी हुए. जब कहा गया कि वो माफी मांगे, उन्होंने जवाब दिया कि हमने क्या गलत किया जो हम माफी मांगे, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जब कहा हथियार डालें, उन्होंने कहा क्यों हथियार डालें, वो तो कहते हैं हमसे टेबल पे बैठ के बराबरी की सतह पर बात करें, तो क्या रियासत उनसे बराबरी की सतह पर बात करेगी? सीएनएन ने टीटीपी के चीफ का 1 घंटे का इंटरव्यू ऑन एयर किया. आप कहते हैं कि उनको इमदाद नहीं है, आप समझते हैं सीएनएन ने 1 घंटे का इंटरव्यू तहरीके तालिबान के चीफ का एम ही कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान से जंग है. ये वही अमरीकी लोग हैं जो के जब 20 साल रहे हैं वहां पे, ये 15 साल वॉर ऑन टेरर होती रही है, ये अमरीका CIA अफगानिस्तान में बैठ के इन्होंने एक मरतबा TTP को रोका नहीं कि आप पाकिस्तान पे हमले ना करें. ये CIA रॉ NDS ये दानिशा तौर पे ये सारा मामला इनको स्पॉन्सर कर रहे थे, लेकिन अब वो तमाम कुवतें चली गई हैं. आप वो कहेंगे कि अफगानिस्तान जैसा इस्लामी निजाम यहाँ पर कायम करें, औरतों पर वही पाबंदियां लगाएं, उनके स्कूल बंद कर करें, इन्हीं बुनियाद पर वो यही कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि वो शरीयत लानी है और वो वही शरीयत है जो वो अफगानिस्तान में ला रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान का आईन जिसमें तमाम इस्लामिक शिके हैं और पाकिस्तान के रिट ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट करनी है. अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, जो हथियार उठाएगा उसके और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. और इसमें ये भी बता दूं, जो इनमें लोग हाइनस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, लीडरशिप में वगैरह वगैरह, वो मैं समझता हूं उनको तो कोई माफी नहीं होगी. एहसानुल्लाह एहसान ने मलाला पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की, हमने पकड़कर छोड़ दिया. ये अब इंटरनल की क्या डायनेमिक्स है एग्जैक्टली हमें भी किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, ये एहसानुल्लाह एहसान इसको किधर है. मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम भी कहते हैं यार ये जंग अब खत्म करो, अब हम इकोनॉमी की तरफ जाएं, अमन हो, इकोनॉमी हमारी आगे चले, हमारे जिंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें बेहतरी आए. तो इसको जंग का जवाब नहीं है. एक वक्त आता है जब रियासत कहती है इनफ इज इनफ, अब हमने उनको शिकस्त दे दी ओवरऑल. मैं समझता हूँ रियासत को एनएफ एनएफ नहीं कहना चाहिए, उन्हें एनएफ एनएफ कह के हमारे साथ सरेंडर करना चाहिए. नहीं नहीं रियासत